प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले से जनसंख्या विस्फोट पर चिंता जताते हुए छोटा परिवार रखने को भी देशभक्ति बताया था। आज बढ़ती हुई जनसंख्या देश के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है और इसलिए आज तहसील निघासन के तिकोनिया क्षेत्र में पैगाम ए दिल यूट्यूब न्यूज चैनल के लखीमपुर खीरी से ब्यूरो चीफ मनोज गिरी ने तिकोनिया क्षेत्र में जाकर जनता की राय जानने का प्रयास किया। जनसंख्या नियंत्रण बिल पास होने पर तिकोनिया क्षेत्र वासियों की क्या राय है? नमस्कार, मैं हूँ मनोज गिरी पैगाम ए दिल यूट्यूब न्यूज चैनल से। आज हम लोग तहसील निघासन के तिकोनिया क्षेत्र में आए हुए हैं और जो सरकार जो जनसंख्या नियंत्रण बिल जो पास करने वाली है, हम यहाँ पर आकर जो यहाँ के जो ग्रामवासी जानेंगे कि इस बिल के बारे में यहाँ की क्या राय है, यहाँ की जनता की क्या राय है। जो सरकार अभी जनसंख्या नियंत्रण बिल पास करने वाली है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? हमारा विचार ये है कि जो सरकार का विचार है, सरकार की सोच है, सही है। जैसा कि हम 4-5-6 बच्चे पैदा कर देते हैं, उनकी परवरिश करने में मुझे दिक्कत आती है और जितने ही बच्चे कम होंगे उतना ही ज्यादा विकास होगा। विकास का मतलब ये कि मान लो कोई भी वैकेंसी निकलती है तो कम बच्चे होंगे तो सबको सीटें मिल जाएगी, सभी लोग अपने अपने बच्चों की परवरिश बढ़िया कर देंगे और जो है कि सभी बच्चे सुखी रहेंगे, तो यही सब कुछ होना चाहिए। ये जो सरकार है अभी जनसंख्या नियंत्रण बिल पास करने वाली है, तो इसके बारे में आपकी क्या विचार है, क्या राय है? जनसंख्या नियंत्रण पे तो बहुत अच्छा का सरकार कर रही है, क्योंकि 2 या 3 बच्चे होंगे तो सबको रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और पढ़ाई लिखाई भी अच्छी होगी और विकास भी अच्छा होगा। जब 2 बच्चे होंगे तो सबको रोजगार दिया जा सकेगा, सरकार देगी, हर एक चीज़ मुहैया कराएगी, तो इससे काफ़ी अच्छा होगा देश का।